नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स। अगर हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है टू वेरिएबल्स में और मोर देन टू वेरिएबल्स में, उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास टर्म्स गिवन में हैं उस पॉलिनोमियल में, उन पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स गिवन में हैं उन टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की पावर का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और जो हाईएस्ट सम होगा वही क्या होगा, पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं उन टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की पावर का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सम करने के बाद जो हाईएस्ट सम होगा वही उस पॉलिनोमियल की क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। जैसे कि हमारे पास इस एग्जांपल में दिया हुआ है 7x³ - 5x² + 3xy + 6y + 8। अगर हमें इसमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हम कैसे बता सकते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी टर्म्स गिवन में है, जैसे 7x³ एक टर्म हो गई, -5x² y² एक टर्म हो गई, 3xy एक टर्म है, 6y एक टर्म है और 8 एक टर्म है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वेरिएबल्स की पावर का सम करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ x है तो x के ऊपर पावर कितनी है, 3। तो यहाँ कंप्लीट सम कितना हो गया, 3। यहाँ हमने देखा यहाँ पर इस टर्म में कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो इन दोनों की पावर का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, 2 और 2, तो 2 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 4। नेक्स्ट है हमारे पास 3xy, यहाँ पर भी दो वेरिएबल हैं इस टर्म में x और y, x की पावर है 1 और y की पावर भी कितनी है, 1। तो यहाँ पर जो इस टर्म का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 6y हमारे पास एक टर्म है, इस टर्म में अगर हम देखें तो जो वेरिएबल y है उस वेरिएबल y की पावर कितनी है, 1। तो इस टर्म में वेरिएबल की जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल 1। और ये हमारे पास कैसी टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट सम कौन सा है, 3, 4, 2 और 1, इन सब में सबसे हाईएस्ट सम कौन सा है, 4। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो भी क्या बन जाएगी, 4। नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट एग्जांपल है 4x² y³ - 5xy² + 7 - √2x की पावर 4। यहाँ भी हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स में जितनी भी टर्म्स गिवन में हैं उन टर्म्स में हम वेरिएबल्स की पावर का सम करेंगे और जो हाईएस्ट सम होगा वही उस पॉलिनोमियल की क्या बन जाएगी, डिग्री। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4x² y³, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल में जो फर्स्ट टर्म की वेरिएबल जो भी दिए हुए हैं, इसमें वेरिएबल कौन से दिए हुए हैं, x और y, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो ये बन गया 2 + 3। तो यहाँ पर इस कंप्लीट टर्म में वेरिएबल्स का सम, वेरिएबल्स की पावर का सम हमारे पास कितना आ गया, 5। नेक्स्ट है हमारे पास -5xy², इसमें टर्म्स, इस टर्म में अगर हम देखें तो वेरिएबल x और y दो हैं, तो यहाँ पर x की पावर है 1 और y की पावर कितनी है, 2। तो इस टर्म में वेरिएबल की पावर का सम कितना हो गया, 1 + 2 = 3। नेक्स्ट हमारे पास है टर्म 7, यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है -√2x⁴, यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास सिर्फ एक गिवन में है और वो वेरिएबल कौन सा है, x। तो इस टर्म का जो वेरिएबल की पावर का सम हो गया वो कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट सम है वो कौन सा है, 5, 3 और 4, इनमें से हाईएस्ट सम है हमारे पास 5। तो ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा, डिग्री 5 का। तो जब हमें बताना है डिग्री इन द केस ऑफ टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल मोर देन वन वेरिएबल सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सभी टर्म्स में हम वेरिएबल की पावर का सम करेंगे और जो हाईएस्ट सम होगा वही उस पॉलिनोमियल की क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमारे पास दो तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, एक होता है डिग्री के बेस पर हम डिफाइन कर सकते हैं पॉलिनोमियल को, और सेकंड हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर भी हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब क्या बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री। तो दो तरह से हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, फर्स्ट बेसिस है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सेकंड बेसिस है नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल होता है वो हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1, जिसमें डिग्री कितनी होगी, 1, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2x + 5, 2x + 5 वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 3y + 9, यहाँ पर भी जो वेरिएबल है हमारे पास वो वेरिएबल कौन सा है, 3y, और y की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास कितनी है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। तो ये वाला पॉलिनोमियल भी कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जेड में हमारे पास क्या है, जेड की पावर भी कितनी है, 1। यहाँ पर भी जो डिग्री है वो कितनी है, 1। तो ये पॉलिनोमियल भी कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सेम एज इट इज़ हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमारे पास दिया हुआ है 3a + 2, यहाँ पर वेरिएबल है हमारे पास a, और a की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर
कॉम डिग्री बोलते हैं, और यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड हमारे पास पॉलिनोमियल आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी होगी? 2 होगी, उसे हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 9, यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 9, यहाँ जो डिग्री है वो कितनी है? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जाम्पल है 3y स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 4, यहाँ पर भी जो वेरिएबल है हमारे पास वो कौन सा है? वाई वेरिएबल, और वाई की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2, तो ये पॉलिनोमियल भी कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास टाइप दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल होता है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, 3 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा वो कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी वो कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो इसकी कितनी डिग्री है? डिग्री 3, तो ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस y क्यूब माइनस y प्लस 7, यहाँ भी हमारे पास जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो कितनी है? डिग्री 3, क्योंकि यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पावर है 3, यहाँ पावर है 1, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहाँ जो हाईएस्ट पावर है वो कौन सी पावर है? पावर 3, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ हमारे पास आता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, 4 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा वो बन जाएगा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, यहाँ जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कौन सी है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4, तो यहाँ ये जो पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल है जेड की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर भी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है जो डिग्री है वो कितनी है? 4, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर हमारे पास 4 तरह के पॉलिनोमियल गिवन में है। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड फोर्थ है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1, उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड फोर्थ है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पर हमारे पास 3 तरह के पॉलिनोमियल्स गिवन में है। सबसे फर्स्ट है हमारे पास मोनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल, एंड थर्ड है ट्राइनोमियल। मोनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो मोनोमियल क्या होगा? जिसमें सिंगल टर्म होगी, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी, और वो टर्म भी कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो टर्म होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, उसे हम क्या बोल देंगे? मोनोमियल बोल देंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारे पास 2y, सिर्फ एक सिंगल टर्म है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होगा? मोनोमियल कहलाएगा। 3z, ये भी एक सिंगल टर्म है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल। x, ये भी एक सिंगल टर्म है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। सेकेंड हमारे पास है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स कंटेन है, जिसमें टू टर्म्स होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होंगी, उसे हम बोल देंगे बाइनोमियल। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल गिवन में है 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, यहाँ हमने देखा एक टर्म है 5x और एक टर्म है हमारे पास 3, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? बाइनोमियल। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है 4y प्लस 9, यहाँ भी हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है 4y और एक टर्म है 9, तो ये भी कैसा पॉलिनोमियल होगा? बाइनोमियल। एंड थर्ड हमारे पास एग्जांपल है z प्लस 4, यहाँ पर भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं z एंड 4, तो ये पॉलिनोमियल भी कैसा पॉलिनोमियल होगा? बाइनोमियल। थर्ड हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स कंटेन होती हैं, 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को ही हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 8, यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, एक टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वेयर, एक टर्म है हमारे पास 3x और एक टर्म है हमारे पास 8, तो ये कैसे हमारे पास पॉलिनोमियल कहलाएगा? ट्राइनोमियल। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल 4y³ + 7y + 9, यहाँ पर भी जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में भी कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, एक है y³, एक है 7y और एक है 9, तो ये भी क्या होगा? ट्राइनोमियल।
थर्ड हमारे पास एग्जांपल इसी का है 3y माइनस 5xy प्लस 7xy स्क्वायर। तो इस ये भी हमारे पास कैसा पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, एक टर्म है 3y, एक टर्म है माइनस 5xy और एक टर्म है हमारे पास 7xy स्क्वायर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं? फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारे पास मोनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल। मोनोमियल होता है जिसमें वन टर्म होंगी, बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स होंगी एंड ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म होंगी, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। जिसमें सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म होगी उसे हम कौन सा पॉलिनोमियल बोल देंगे? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 4 एक कॉन्स्टेंट टर्म है तो हम इसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। 9 भी एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको भी हम कैसा पॉलिनोमियल बोल देंगे? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। 7 भी कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको भी हम कैसा पॉलिनोमियल बोलेंगे? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। 5 भी एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको भी हम कैसा पॉलिनोमियल बोलेंगे? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। 1, 2, 3, 100, 200, 500, हम कोई भी अगर कॉन्स्टेंट नंबर लें तो उस नंबर, अगर हमने कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर लिया है तो उस पॉलिनोमियल को हम कैसा पॉलिनोमियल बोलेंगे? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म होती है उस पॉलिनोमियल को हम कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिग्री हमेशा क्या होती है? जीरो। क्योंकि हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन किया है? हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन किया है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, बट यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो जब वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर जो इसकी डिग्री होगी कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की वो भी कैसी हो जाएगी? जीरो डिग्री। तो डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीरो पॉलिनोमियल। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है और वो टर्म भी कैसी होती है? जीरो। तो उसे हम कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कंटेनिंग ए टर्म दैट इज जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है और वो टर्म भी कैसी टर्म है? जीरो। तो वो कहलाएगा हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास डिफाइन नहीं होती। थैंक यू।